किसानों को इस समय हर तरफ से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ किसान खाद की समस्या से जूझ रहे हैं तो दूसरी तरफ उपज बेचने आए किसानों को मंडी में भी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। खातेगांव मंडी शुरू होने के साथ ही हम्बालों के हड़ताल पर चले जाने से मंडी में अपनी उपज बेचने आए किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मंडी सचिव रघुनाथ सिंह लोहिया के मुताबिक हड़ताल पर चले जाने वाले हम्बाल एवं ठेकेदारों से लाइसेंस निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। बताया जाता है कि प्रति 3 वर्ष में हम्बाली की दर 10% बढ़ाई जाती है, लेकिन खातेगांव मंडी द्वारा 12% दर बढ़ाने के बावजूद भी हम्बाल अभी भी अपनी दरें बढ़ाने पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि पाला कटाई के 2.60 रुपए के स्थान पर 3 रुपए किया जाए, जो संभव नहीं है। बड़े दुख के साथ में ये कहना पड़ रहा है कि किसान भाई आज बहुत परेशान हुए। वो बड़ी आशा के साथ में मंडी में आए थे, मगर अचानक हम्बालों ने काम करने से मना करके वो हड़ताल पर चले गए। उनको बार बार समझाने का भारी प्रयास किया गया, यहाँ तक कि किसान यूनियन के 2-3-4 नेताओं को बुलाया गया, उनके द्वारा भी समझाने का प्रयास किया, मगर वो किसी भी सूरत में मानने को तैयार नहीं हुए। अब हमको मजबूर होकर के उनके लाइसेंस, जो मंडी अधिनियम के अंतर्गत जो लाइसेंस प्रक्रिया है उसके अंतर्गत उनके जितने भी ठेकेदार हैं उनके लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई कर रहे हैं। देखो, मंडी में जो हम्बालों की जो हमने दरें जो तय की थी सरकार की तरफ से, वो हर मंडियों में 19 रुपये कुंटल है। हम खातेगांव मंडी से उनको एक्स्ट्रा मतलब 1 रुपया ज़्यादा दिलवाते थे, मतलब 29 रुपया दिलवाते थे। इसके बाद भी बार बार किसानों के कंधे के ऊपर बंदूक रख के इनने ये काम किया है। हम आज उनका लाइसेंस निलंबित करने की कार्रवाई करवाई है मंडी सचिव से बोलकर, और आगामी कार्रवाई के लिए हम मतलब मंडी सचिव से बोल दिया है कि जब भी कोई भी आवेदन होगा उस पर शर्त लागू होगी कि इस रेट पे आपको करना होगा। आज मंडी में मैं ट्रैक्टर ट्रॉली लाया था, मेरी 2 ट्राली आई थी, एक सोयाबीन और एक चने की, तो प्रवेश पर्ची मिल गई अपने को, गेट पर्ची। इसके बाद यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली लगा दिए। इसके बाद जब लीलामी चालू होने पर आई तो हम्बालों ने हड़ताल कर दी, क्या उनके पैसे ऐसे बढ़ाने के चक्कर में। इसके पहले हमको कोई सूचना नहीं थी। अब जा रहे हैं साहब घर, क्या करें, डीजल चला के आए 1500-1500 रुपये का, ये खर्चा इधर लग गया हमारा। किसान बहुत परेशान है साहब। मैं गेहूं लेके आया था यहाँ, 12 बजे तक हम सब खड़े रहे, बाकायदा हमको गेट पर्ची मिली। यहाँ आने के बाद में व्यापारी बंधु भी आए थे, हिम्माल बंधुओं ने यहाँ हड़ताल कर लिए। हड़ताल करने के बाद में मंडी सचिव के पास हम गए, सचिव ने बोला मैं कुछ ना कुछ निराकरण करता हूँ। हमने कहा हम बाहर दूसरी मंडी ले जाने के लिए तैयार हैं, कोई उसका निराकरण नहीं निकला। अब लोग हम परेशान हैं, ये लोग उन किराए से ट्रैक्टर लेके आए हैं, ये लोग सब परेशान हैं, अब सब अपने अपने घर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।